हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ ग्रो चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड बेस एंड साल्ट। मतलब कौन कौन सा इंडिकेटर है जो एसिड बेस एंड साल्ट को टेस्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? देखो क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमको बताता है, क्या करता है, बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस। क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, और साल्ट का टेस्ट कैसा होता है, साल्टी। लेकिन हम इसको टेस्ट करके तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम क्या है, क्योंकि जितना भी सब्सटेंस एसिड, बेस एंड साल्ट एक बहुत डेंजर डेंजरस केमिकल है जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए हम कुछ इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, जो हमको बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है या साल्ट है, इसके बारे में हमको जानकारी देता है, उसी को इंडिकेटर बोलते हैं। देखिए इंडिकेटर मेनली टू टाइप्स का इंडिकेटर होता है, मेनली टू टाइप्स का इंडिकेटर होता है। एक इंडिकेटर होता है वैसा इंडिकेटर जो क्या करता है, डिफरेंट कलर देता है एसिड, बेस एंड साल्ट में, समझ रहे हैं। एक कौन सा होता है जो डिफरेंट कलर देता है एसिड, बेस एंड साल्ट में, और दूसरा जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट स्मेल देता है, समझ रहे हैं क्या रहे, डिफरेंट स्मेल देगा एसिड, बेस एंड साल्ट में, डिफरेंट स्मेल देता है, उसको हम कौन सा इंडिकेटर बोलते हैं, उसे हम ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। कौन सा इंडिकेटर, ऑल्फैक्ट्री। तो ये डिफरेंट स्मेल देता है उसको ऑल्फैक्ट्री। तो दो टाइप का इंडिकेटर होता है। तो चलते हैं पहले डिफरेंट कलर जो देता है उसके बारे में, डिफरेंट कलर जो 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 इंडिकेटर देता है। देखो क्या है, इसमें क्या होता है, मेनली हम तीन इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा, लिटमस, समझ रहे हैं, फेनोल्फथेलीन, और एक और क्या होता है, एक लिटमस हो गया, उसके बाद क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ये तीन कॉमन इंडिकेटर है, समझ रहे, इसके बारे में हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डिफरेंट कलर देता है, लिटमस अलग कलर देगा एसिड, बेस एंड साल्ट, फेनोल्फथेलीन अलग कलर देगा, मिथाइल ऑरेंज अलग कलर देगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या है, डिफरेंट कलर में देने वाले डाई में ये क्या है? क्योंकि डाई के कारण होता है, अलग अलग डाई के कारण, अलग अलग कलर का। देखो क्या हो रहा है, बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है, इसमें भी दो तरह का इंडिकेटर होता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर पहला, और इसमें बी में क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, समझ गया। नेचुरल इंडिकेटर में हम देखो, नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस हो गया, टर्मेरिक हो गया, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर हो गया, कैबेज उबेज हो गया, ये सब क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। और सिंथेटिक में क्या आ गया, मिथाइल ऑरेंज और कौन सा हो गया, फेनोल्फथेलीन। ये दो तरह का इंडिकेटर आता है जो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, समझ रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर में हम पहला बात करेंगे लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो किससे निकाला जाता है, एक लाइचेन प्लांट है उससे लिया जाता है, किससे, लाइचेन प्लांट है उससे, मतलब हम इसको निकालते हैं। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है जो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, समझ रहे हैं, पर्पल कलर का होता है। लिटमस जो होता है एसिड के साथ कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। बेस के साथ कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। और साल्ट के साथ कैसा कलर देगा, पर्पल कलर देता है, समझ गए, कैसा कलर देगा, पर्पल। तो ये लिटमस के बारे में था। उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। फिर दूसरा आता है क्या चाहिए आपको, दूसरा आपका जो आएगा टर्मेरिक के बाद, सुने टर्मेरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कैसा कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन को बताता है, बेसिक सॉल्यूशन के बारे में आपको बता देगा कि बेसिक है क्या नहीं। तो सिर्फ बेसिक लिए यूज होगा, क्योंकि जब भी हमारे सर टूट पे कभी भी सब्जी उब्जी गिर जाता है, तो गिरने के बाद उसको जब साबुन से मारते हैं तो उसका करण कैसा हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाएगा, थोड़ा रेडिश ब्राउन, रेड कलर में होगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो साबुन में क्या होता है, बेस होता है, जितना भी ऑल द सॉप आर मेड ऑफ बेस, समझ रहे हैं। तो रेडिश ब्राउन कलर देगा बेस के साथ, एसिड के साथ कुछ ऐसा शो नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो ये टर्मरी। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या आ गया आपका, नेचुरल इंडिकेटर में बात कर रहे हैं तो लिटमस आ गया आपका, टर्मेरिक आ गया, रेड कैबेज के नाम सुने होंगे, रेड कैबेज के जो लीव्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी यूज किया जाता है। तो उसका जो होता है बेस के साथ कैसा कलर, भलो मतलब कोई भी साल्ट के साथ कैसा कलर देगा, पहले बात करते हैं साल्ट तो कैसा, रेड कलर देगा।
और एसिड के साथ कैसा कलर देगा? एसिड के साथ भी इसका कलर कैसा होता है? रेड ही होता है। और बेस के साथ कैसा कलर होता है? बेस के साथ इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर को देता है। फिर आता है क्या चीज, एक आता है क्या चीज, फ्लावर, फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया का नाम आप लोग सुने होंगे, एक फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिया है। ये भी क्या है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। साल्ट के साथ इसका कलर कैसा होगा? साल्ट के साथ इसका जो कलर होगा ब्लू कलर का होगा। और एसिड के साथ कैसा कलर देगा? इस एसिड के साथ भी ब्लू कलर देता है। बट बेस के साथ कैसा कलर देगा? बेस के साथ जो इसका कलर होता है उसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का देता है। तो ये आपका हो गया क्या चीज, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर हो गया। नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन सा है? लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में। सिंथेटिक इंडिकेटर में दो आएगा, कौन सा? मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देगा देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो कलर देता है वो अपना कलर देता है, मतलब जब आप उसको डालिएगा किसमें, कोई भी साल्ट सोल्यूशन में, तो वो अपना कलर ऑरेंज देगा। एसिड के साथ कैसा कलर देगा? रेड देगा। और बेस के साथ कैसा कलर देता है? बेस के साथ वो अपना कलर येलो देगा। समझ रहे हैं? तो ये कलर हुआ। दूसरा क्या है? फेनोल्फेथलीन ये कैसा देता है? साल्ट के साथ भी कलरलेस देगा, एसिड के साथ भी कैसा देगा? कलरलेस देगा। बट बेस के साथ कैसा कलर देता है? पिंक कलर को देता है। समझ रहे हैं? बेस के साथ कैसा कलर देगा? पिंक कलर को देगा। तो इससे हम समझ जाएंगे कि फेनोफेथलीन। तो कितना तरह का हम देखें, दो तरह का इंडिकेटर हुआ, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में ये सब देखें। एक लास्ट आता है, कौन सा इंडिकेटर के बात कर रहे थे? ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या था? डिफरेंट स्मेल देता था। समझ रहे हैं? तो इसमें दो इंडिकेटर बहुत ज्यादा यूज होता है, ओनियन और दूसरा वैनिला। ओनियन क्या होता है? ओनियन का क्या कहते हैं, ओनियन को क्या करते हैं, भिंगो देते हैं एक कोई क्लॉथ में, समझ रहे हैं, और उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ लेते हैं। स्ट्रिप मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं क्लीन क्लॉथ को, उसको क्या करते हैं, ओनियन में रख देते हैं। और रखने के बाद उसको पूरा अच्छा से बांध के फ्रिज में रख दो। फिर वो क्या हुआ, कपड़ा जो हुआ, क्लीन क्लॉथ हुआ, वो क्या हो गया, वो ओनियन का स्मेल देने लगता है। उसको अब जब हम बेस में डालते हैं, जब ओनियन का क्लीन क्लॉथ जो हम बनाए हैं उसको जब बेस में डालेंगे तो क्या होगा, जो इसका ओनियन का अपना खुद स्मेल होगा, उसका स्मेल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब मतलब डिसअपियर हो जाएगा। और खुद समझ रहे हैं, जैसा जैसे ओनियन खाने के बाद जैसा स्मेल आता है वैसा स्मेल नहीं आएगा जब बेस सोल्यूशन में डालेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन एसिड सोल्यूशन में जैसा इसका स्मेल होता है वैसा स्मेल दिखाई देगा। तो मतलब बेस में क्या डालने पर पता चलेगा, बेस का क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसमें डालोगे तो क्या होगा, अपना स्मेल को क्या करेगा, नहीं दिखाएगा, इसमें दिखाएगा ओनियन में। सेम वनीला भी है। वनीला क्या है, वनीला एक प्लांट है जो बाहर के देशों में पाया जाता है, हम लोग के देश में नहीं पाता, भारत में नहीं पाया जाता। और क्या है, वनीला वहीं पाया जाता है। वनीला भी सेम है कि बेस के साथ क्या होगा, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल को क्या करे, बनाए रख नहीं बना के रखेगा। और एसिड के साथ क्या होगा, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल जैसा होगा इसका स्मेल वैसा स्मेल इसमें रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ रहे होंगे? तो आज के लिए इतना ही।